बहुत बधाई। सत्ता परिवर्तन होते ही छपरा सारण को एक सौगात मिली कि आपको दो दो मंत्री यहां से मिल गए। तेजस्वी जी ने जो कहा था कि हाँ कि हम मरवाड़ में जितेंद्र जी को इस बार जीतते हैं तो उनको हम जरूर से मंत्री बनाएंगे, और आज इनको कला संस्कृति मंत्री बनाया गया है। और आज मैं हमारे साथ जितेंद्र जी जो कला संस्कृति मंत्री बन चुके हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आज मैं उनके विषय में जानेंगे कि क्या कला संस्कृति मंत्री से आज सारण का क्या उद्धार होगा और किस तरह के कला के लोगों के लिए ये मंत्री पद जो रहा है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहेगा। सर, DND में आपका स्वागत है, और सर बताएं कि आप जब कला मंत्री बने हैं तो सारण के युवाओं के लिए किस तरह का मैसेज रहेगा और क्या उनके लिए योजनाएं रहेंगी? अभी जो हर ब्लॉक में हम लोग का योजना है स्टेडियम बनाने का, जहाँ पर जिस ब्लॉक में स्टेडियम नहीं है वहाँ पर स्टेडियम विकसित करेंगे, खेल को गाँव तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे, और जो भी जैसे चिरांद हमारा है, चिताब दिया रहा है, इन सब जगहों पर क्या हो सकता है उसको अध्ययन करा के उस पर भी हम लोग विजन के साथ काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर ये किस तरह का योजना होगी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो कला में आगे निपुण हो सके? स्तर पर हम लोग खेल को आयोजन कराएंगे, और पंचायत से प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको हम लोग उसमें शामिल कराएंगे। ये हम लोग बना रहे हैं कि एक कैलेंडर। नाटक मंच का भी क्या सिलसिला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाटक मंच के थिएटर जो बनाए जाएंगे वहाँ पर भी स्टेडियम बनेगा क्या, ऐसा कुछ भी योजना है? ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, आगे हम लोग पहले देखते हैं, चूँकि अभी तो दो दिन हुआ ही है तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जितेंद्र जी ने बताया कि सारण के लिए काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली है, यहाँ पर युवाओं को रोज़गार तक भी मिलने की संभावना है। इस तरह से सारण के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे कला मंत्री के लिए तरफ से एक तोहफा मिल सकता है। कैमरा पर्सन विपिन जी के साथ मैं प्रभास रंजन। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।